हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो तुर्की आप लोगों के साथ गुड इवनिंग की। चलिए भाई सभी जुड़े और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं नोटिफिकेशन डाल दूं भाई। गुड मॉर्निंग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी समझा दीजिए सर। चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। नमस्कार, ये कह रहे हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इनको समझना है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो भाई पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के अलावा? नमस्कार। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आपको समझना है। शायद मैंने एक क्वेश्चन रखा है इसमें, तो उससे देख लेते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये देख लीजिए भाई क्वेश्चन, ये आपको गिवन है। देखो क्वेश्चन देख लीजिए भाई, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का क्वेश्चन देख लीजिए। अभी तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, फिर आप जो है यहां से देख देख के आप कॉपी करोगे इसको। चले क्वेश्चन पढ़िए भाई। One cubic of water is pumped into the farm distribution system. 0.8 cubic centimeter is delivered from outlet 1 kilometer from well to the farm outlet 1 kilometer from the well. The depth of the water penetration varied linearly from 1.7 meter at the head of the field and 1.1 meter at the tail end of the field. The water distribution efficiency of the irrigation is. कल की क्वेश्चन की, अरे कल क्वेश्चन नहीं भेजे मैंने आपको। चलिए, जो आप लोगों का व्हाट्सएप जो चैट वाला सेक्शन है ना, तो वहीं पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा फुल लेंथ वालों में, और जो है आपका कौन सा ये प्रैक्टिस और रिविजन बैच वाले में, ठीक है, वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो बताओ भाई क्या बोल रहा है ये, कि ये कह रहा है कि एक इस प्रकार का एक फील्ड है और फील्ड में जो है ये 1 किलोमीटर दूर से जो है पानी आ रहा है, और यहां पर ये इसका हेड एंड है। इसको क्या बोलेंगे, इसका हेड एंड बोलेंगे, और इसको बोलेंगे इसका टेल एंड। ये इसका टेल एंड है। हेड एंड पर बोल रहा है कि यहां पर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो कितना है, 1.7 मीटर है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना बोल रहा है, 1.7 मीटर। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन यहां पर कितना, 1.7 मीटर, और ये बोला टेल एंड पर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना है, 1.1 मीटर। तो यहां पर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है, या इसको डी डी मान सकते हो, क्योंकि आपने कल डी के फॉर्म में इसको लिखा है, तो आप यहां पर D1 मान सकते हो, कैपिटल D1, और ये कैपिटल D2 कितना है, यहां पर 1.1 है, ठीक है। अब आपके पास डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 2 गिवन है, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अगर आपके पास गिवन है तो D1 यहां पर इसका एवरेज आप निकाल सकते हैं। तो एवरेज क्या होगा, D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो D1 कितना है,
1.7 प्लस 1.1 डिवाइड बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा 2.8, और 2.8 का मतलब है कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.8, और 2.8 का मतलब है कितना हो जाएगा 1.4। तो 1.4 मीटर जो है एवरेज डेप्थ ऑफ क्या हो जाएगा, ये पेनिट्रेशन हो गया। अब बताओ भाई यहां पर जो है डेविएशन कितना है, तो D1 आप हेड एंड पर डेविएशन क्या करेंगे, मोड ऑफ जो आपका एवरेज डेविएशन कितना 1.4 माइनस जो डेप्थ ऑफ जो है आपका यहां पर वाटर है तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो यहां पर D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपके पास डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है या डेप्थ ऑफ एवरेज डेविएशन है माइनस 1.1, तो यहां पर ये वैल्यू जो है मोड की हम लेंगे तो ये 0.4 हो जाएगी, और इधर भी जो है 0.3 हो जाएगी, इधर भी जो है आपका कितना हो जाएगा ये 0. यहां पर भी 0.3, ये भी 0.3। अब देखो D1 आपके पास 0.3 आ गया और D2 आपके पास जो है 0.3 आ गया, तो क्या एवरेज डेविएशन इन डेप्थ निकाल सकते हैं, तो एवरेज डेविएशन इन डेप्थ D1 प्लस D2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो यानी 0.3 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 2 यानी ये कितना हो जाएगा 0.3। तो 0.3 मीटर जो है एवरेज डेविएशन इन डेप्थ आया है। तो क्या आप यहां से डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 माइनस एवरेज डेविएशन इन डेप्थ डिवाइड बाई एवरेज डेप्थ, तो 1 माइनस एवरेज डेविएशन इन डेप्थ कितना 0.3 और डेप्थ एवरेज डेप्थ कितना हो रहा है 1.4, तो 1.4 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 1.4। अब आंसर आप यहां से निकाल सकते हैं भाई, तो आंसर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 डिवाइड बाई 1.4, तो इनटू 100 करो तो इसको परसेंटेज में आप निकाल सकते हो। तो जल्दी से सॉल्व करें भाई, तो इसका मतलब क्या आएगा कि यहां पर जो पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ जो आपका यहां पर पेनिट्रेशन क्या आ रहा है, आपका एफिशिएंसी आ रही है जिसको हम क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ये लगभग कितना आ रहा है आपका, हाँ जी लगभग कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 0.0, ये वैल्यू आ रही है 0.78 यानी कितना परसेंट 78%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब आप हेड से आप टेल की तरफ गए, जब आप हेड से टेल की तरफ गए तो पूरे फील्ड में 78% जो है वो यूनिफॉर्मली डेप्थ पेनिट्रेट करी है, कहां पर रूट जोन में, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना है 78%, तो 78% डेप्थ ऑफ जो है हेड से टेल एंड तक जो है डेप्थ पेनिट्रेट करी है। ठीक है, क्लियर है, चले चले भाई अब वापिस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, वापिस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और अपना टॉपिक आज का है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, तो सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप पर आ जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक आपका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, ये जो है आपका सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है और सेकंड चैप्टर आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, क्योंकि देखिए भाई अल्टीमेटली जो है सॉइल मॉइस्चर से ही प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, वाटर को लेता है, वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, कौन करता है भाई, प्लांट जो है अपनी ग्रोथ के लिए वाटर को जो एक्सट्रैक्ट करता है वो कहां से, सॉइल मॉइस्चर से एक्सट्रैक्ट करता है। अब यहां पर विभिन्न प्रकार के जो है आपके कौन से होंगे, सॉइल मॉइस्चर होंगे, तो उन विभिन्न प्रकार के सॉइल मॉइस्चर में से कौन सा सॉइल मॉइस्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आप कह सकते हैं प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो रिलेशनशिप हम यहां पर देखेंगे, फिर हम यहां पर डेप्थ ऑफ वाटर और डेप्थ ऑफ रूट जोन में, हम डेप्थ ऑफ रूट जोन में एक रिलेशन निकालेंगे और साथ में इसकी फील्ड कैपेसिटी के साथ, तो डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड या डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, डेप्थ ऑफ रूट जोन और फील्ड कैपेसिटी में एक रिलेशन निकालेंगे, फिर वहां से कितना पानी हमको जो है डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई करना चाहिए कि डी डेप्थ को जो है वो वाटर प्रोवाइड करा सके, तो ये जो है यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पर सबसे पहले अगर आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ये डल दिख रहा है तो मैं इसको इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेता हूं,
हाँ अब मुझे लगता है कि सही दिख रहा है, सही दिख रहा है भाई। चलिए ये विभिन्न प्रकार के सॉइल मॉइस्चर हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं भाई, जल्दी से समझ लेते हैं, फिर आज जो है इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है कल आपका शुरू करूंगा मैं, कौन सा वाला, कैनाल वाला, कैनाल कल वाला, कल के कल में खत्म हो जाएगा, फिर एक एक दिन के चैप्टर आपके बच जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई तो यहां पर देखा जाए, जैसे ही पानी जो है वो फील्ड के सरफेस पर पड़ता है तो सबसे पहला काम किसका होता है, ग्रेविटी वाटर का। और ग्रेविटी वाटर जो है ग्रेविटी के साथ जो है ये कहां पर चला जाता है भाई, ये चला जाता है ग्राउंड वाटर टेबल में। तो ग्राउंड वाटर टेबल में कौन सा पानी जाता है, ग्रेविटी वाटर। तो ग्रेविटी वाटर किसकी हेल्प से, ग्रेविटी की हेल्प से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो सॉइल पोर से रिस कर जो है ये कहां चला जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल का पार्ट बनता है। तो ग्रेविटी वाटर जो है ग्राउंड वाटर टेबल का पार्ट हो जाता है। तो यानी ये जो है ये प्लांट ग्रोथ के लिए ये जो है मददगार साबित नहीं होता है। तो ग्रेविटी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्लांट ग्रोथ, क्यों, क्योंकि ये जाकर जो है ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है, तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं है। अब प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल कौन से हैं, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी, जो मैंने क्या बोला, ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी जो है अगर मॉइस्चर में रह जाए, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है मॉइस्चर किस में रह जाए भाई, वो सॉइल में रह जाए, तो वही पानी जो है उसी पानी में से वाटर जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पानी होगा वही क्या होगा, वही प्लांट्स के लिए क्या होगा भाई, हेल्पफुल होगा, प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब प्लांट्स के लिए हेल्पफुल कौन सा पानी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। और तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन कौन सा पानी होता है भाई, एक तो होता है कैपिलरी वाटर और एक होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो कैपिलरी वाटर और जो है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर मिलाकर ये बनाती है फील्ड की कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी क्या होता है भाई, वो फील्ड की वो कैपेसिटी जिस कैपेसिटी के साथ वाटर जो है वो सॉइल मॉइस्चर जो है वो सॉइल पोर्स में रिटेन कर जाते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसको क्या बोला जाता है, उस फील्ड की कैपेसिटी। यानी फील्ड कैपेसिटी का मतलब है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द फील्ड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द फील्ड किसके अगेंस्ट, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका फील्ड कैपेसिटी। यानी इतना मैक्सिमम वाटर जो है ये सॉइल जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट को होल्ड कर सकता है। अब इसमें भी आपका एक कैपिलरी वाटर होगा और दूसरा आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कैपिलरी वाटर जो है ये कैपिलरी एक्शन से जो सॉइल फ्रिंजेस में रह जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। और जो आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब है कि सरफेस के ऊपर जो है एक थिन लेयर बनती है, किसके कारण, ये अधेसिव फोर्स के कारण, अधेसिव फोर्स के कारण एक थिन लेयर बनती है, इसको बोलेंगे थिन लेयर बनती है। तो ये वाटर जो है ये वाटर आपका कौन सा होगा, इसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब इस हाइग्रोस्कोपिक वाटर को इजिली प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये नो यूज का है, यानी इसका कोई यूज, नो यूज फॉर प्लांट। तो इसके लिए यूज, नो यूज फॉर प्लांट, यानी प्लांट इसको अपने यूज के लिए यूज नहीं कर सकता, अपने ग्रोथ के लिए इसको यूज नहीं कर सकता, इसलिए इस वाटर को हमने क्या बोला, नॉन अवेलेबल वाटर बोला है। तो इसी को हमने क्या बोला, नॉन अवेलेबल वाटर। तो यानी अवेलेबल जो है प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा है भाई, तो कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर को क्या बोला जाता है, कैपिलरी वाटर को बोला जाता है अवेलेबल मॉइस्चर। और अवेलेबल मॉइस्चर में कितना जो है इजिली प्लांट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो ये आपका 75-80% जो है ये प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो 75-80% ऑफ द कैपिलरी वाटर को क्या बोला जाता है, रेडियली अवेलेबल वाटर बोला जाता है। क्लियर है, इसको रेडियली अवेलेबल वाटर बोला जाता है, ठीक है। जहां पर देखिए भाई, जहां पर जो है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर जो है वो कंप्लीट होता है
वहां पर इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। यानी यहां से क्या होगी, विल्टिंग स्टार्ट होगी। विल्टिंग स्टार्ट होने का मतलब है प्लांट बड़ी मुश्किल से पानी को अपने ग्रोथ के लिए एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और जैसे ही आपका जो है, जैसे ही आपका कैपिलरी वाटर खत्म हो जाएगा तो वहां पर फाइव यानी विल्टिंग स्टार्ट होगी। अब विल्टिंग का मतलब है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है फाइव को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि अब प्लांट जो है कोई भी पानी अब सॉइल मॉइस्चर से ले नहीं सकता, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता, हायर टेम्परेचर पर उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यानी वो पॉइंट जहां से अब सॉइल वाटर प्लांट जो है वो सॉइल मॉइस्चर से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हार्मफुल वाटर। प्लांट के लिए हार्मफुल वाटर कौन सा होगा, हार्मफुल वाटर हमने देख लिया कहां पर, पहले चैप्टर में भाई, कौन सा वाटर हार्मफुल होता है, जो टॉक्सिक एलिमेंट जिसमें बोरोन सेलिनियम हो, जिसमें जो है सोडियम सोडियम कंसंट्रेशन हो, जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन हो, या इरोडेड इरोडेड जो है सेडिमेंट्स हैं, वो सारा जो है हार्मफुल वाटर होता है। ठीक है, वो सारा हार्मफुल वाटर होता है। तो इसमें हार्मफुल क्या देख रहे हो भाई, वाटर तो वाटर है, अगर वो सॉइल मॉइस्चर में है तो यानी वो उसको अगर वो ले पाता है तो वो उसके लिए अच्छा है, नहीं ले पाता तो क्या होगा। ठीक है, हार्मफुल जो है उनकी इम्प्योरिटीज से हम जो है उसको क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के बेसिस से जो है आपका क्या होता है, इम्प्योरिटीज की वजह से जो है वो वाटर को क्या बोला जा सकता है, हार्मफुल बोला जा सकता है। और इम्प्योरिटीज हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके सॉइल मॉइस्चर यहां पर होते हैं। तो अगर हम फील्ड कैपेसिटी की बात करते हैं तो फील्ड कैपेसिटी किसके बराबर होगा भाई, बताओ। फील्ड कैपेसिटी यानी फील्ड कैपेसिटी बनती है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस आपका कौन सा, कैपिलरी वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस कैपिलरी वाटर को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर को आपने क्या बोला, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर प्लस आपने कैपिलरी वाटर को क्या बोला है, यहां पर अवेलेबल मॉइस्चर बोला है। तो यानी फील्ड कैपेसिटी जो है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर प्लस अवेलेबल मॉइस्चर का सम के बराबर होता है। तो अगर हम यहां पर बोलें कि रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर क्या होगा, तो रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर जो है अगर हम फील्ड कैपेसिटी में है, फील्ड कैपेसिटी में हम क्या माइनस कर दें भाई, फील्ड कैपेसिटी में हम जो है कौन सा, यहां पर ये कौन सा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर। और ये कभी भी इस वाटर को कभी भी यूज करने वाला वाटर है, प्लांट इस वाटर को कभी भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर। बिल्कुल, फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, उसको क्या बोला जाता है, आपका रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर बोला जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, कि जो नॉन अवेलेबल वाटर होगा उसी को क्या बोला जाएगा, आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट जो है आपका, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि no water can used by plant। प्लांट के द्वारा जिस वाटर को यूज नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सर इसमें क्वेश्चन डेफिनेशन फॉर्म में आता है, बिल्कुल डेफिनेशन फॉर्म में आता है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद में। ठीक है, ये आपको जो है डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो है, देखो मैंने यहां पर जो है ये इंपॉर्टेंट मैं यहां पर देख आप लोगों को जो है समझा देता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो भाई, दो प्रकार का पानी होगा, एक तो बिलो वाटर टेबल होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, और जो आपका जो अबव द वाटर टेबल, जिसको क्या बोलते हैं, जो अबव द वाटर टेबल है उसी को क्या बोला जाता है, सॉइल मॉइस्चर। दो प्रकार का पानी होगा, एक वाटर टेबल के नीचे जिसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, और एक वाटर टेबल के ऊपर जिसको क्या बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर। और यही सॉइल मॉइस्चर जो है
और प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकता है। अब इस सॉइल मॉइस्चर में जो है आपके कौन कौन से वाटर होते हैं, तो सॉइल मॉइस्चर कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रेविटी वाटर, जो कि किसका पार्ट बनता है, ग्राउंड वाटर का पार्ट बनता है। तो ग्रेविटी वाटर तो ये किसी भी यूज का नहीं है, कैपिलरी वाटर बिल्कुल यह है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर इसको यूज नहीं कर सकता, स्ट्रक्चरल वाटर इसको यूज नहीं कर सकता। इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है भाई, इन दोनों को निकालना जो है वो किससे मुश्किल है, क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर पर क्या किया जा सकता, रिमूव किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल वाटर का मतलब है जो सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, उसको हम स्ट्रक्चरल वाटर बोलते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो एक सॉइल के ऊपर जो है थिन फिल्म बनाकर रखता है, किसके कारण, ये केमिकल एडहेसिव फोर्स के कारण, ये केमिकल एडहेसिव फोर्स के कारण। और ये एडहेसिव फोर्स को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है असंजन बल। तो असंजन बल के कारण जो है, जो लेयर जो है सॉइल के ऊपर जम जाती है, उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, नॉन कैपिलरी, बिल्कुल इसको नॉन कैपिलरी, तो बिल्कुल नॉन कैपिलरी वाटर ही बोलेंगे भाई इसको। ठीक है, ग्रेविटी वाटर क्या करता है, नॉट हेल्ड बाय दी सॉइल, दिस वाटर ड्रेन्स आउट फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, और जो कि किसका पार्ट बनाता है, जो कि ग्राउंड वाटर का पार्ट बनाता है। कैपिलरी वाटर तो यानी ये ग्रेविटी के अगेंस्ट, ये रिटेन्ड बाय द सॉइल, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो रिटेन्ड, अगेंस्ट द ग्रेविटी रिटेन्ड होता है किसके द्वारा, ये सॉइल के द्वारा। ठीक है, वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल बाई फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिलैरिटी एक्शन जो है वो कैपिलैरिटी एक्शन किसकी वजह से, सरफेस टेंशन फिनोमिना, यानी कैपिलैरिटी फिनोमिना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा है, सरफेस टेंशन फोर्स है। ठीक है, और ये हमेशा किसके, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है। क्लियर है, दिस वाटर इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, इट इज ऑल्सो नोन एज अवेलेबल मॉइस्चर, इसी को क्या बोला जाता है, आपका अवेलेबल मॉइस्चर बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को उस वहां पर आपको बता दिए। हाइग्रोस्कोपिक वाटर देख लीजिए भाई, क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज अ वाटर विच हेल्ड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स, ये एब्सॉर्ब्ड होता है किससे, एटमोस्फियर से एब्सॉर्ब्ड होता है। ठीक है भाई, अवशोषित होता है, और ये सॉइल एंड हेल्ड वेरी थिन फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू अधेजन, और ये किसके कारण एक थिन फिल्म बनाता है, अधेजन के कारण, ये एब्सॉर्ब्ड वाटर होता है और एक थिन फिल्म बनाता है किसके कारण, अधेजन के कारण, या आप कह सकते हैं असंजन के कारण। तो असंजन के कारण जो है ये थिन फिल्म बनाता है, और ये जो है किसके द्वारा अवशोषित होता है, जो हमारे पास एटमोस्फियर में पानी है, तो जब भी अगर आप जो है मिट्टी को हाथ पर लोगे, उसमें हमेशा आपको नमी दिखेगी, और वो नमी किसके कारण होती है, वो एब्सॉर्ब्ड वाटर के कारण होती है, यानी जो एटमोस्फियर से अवशोषित पानी होता है उसके कारण जो है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हमेशा वहां पर अवेलेबल होता है। ठीक है, इसको नहीं रिमूव किया जा सकता है भाई, Not available for the plant growth, तो ये भी हमने देख लिया है, और अगर इसको रिमूव किया भी जा सकता है तो हाई टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर हम वहां पर प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाई टेम्परेचर का मतलब है कि जहां पर टेम्परेचर आपका 80-90 डिग्री से ज्यादा जा जाए, और अगर आप फील्ड में देखें तो फील्ड में टेम्परेचर कितना होता है भाई मैक्सिमम, अगर हम इस नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ रीजन की बात करें, तो अगर हम समर की बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना, 43, 44, 45 या 50 डिग्री मैक्सिमम जा सकता है, तो उसमें हाइग्रोस्कोपी वाटर को रिमूव नहीं किया जा सकता। स्ट्रक्चरल वाटर, संरचनात्मक पानी क्या होता है कि ये जो है इट इज प्रेजेंट इन द केमिकल बॉन्ड्स, जो डिफरेंट क्या है आपके, डिफरेंट जो है मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, तो उन मिनरल्स आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो वाटर यूज होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल वाटर बोला जाता है, और इसको भी नहीं रिमूव किया जा सकता है, और इसको रिमूव किया जा सकता है, मैंने अभी अभी आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाया है, तो बताओ स्ट्रक्चरल वाटर को कब रिमूव किया जा सकता है, जब टेम्परेचर को कितने से ज्यादा रखें तभी इसको रिमूव किया जा सकता है, बताओ भाई।
अभी अभी आप आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा, मैंने वाटर कंटेंट वहां पर निकालना आपको सिखाया है, और वहां वहीं पर मैंने आपको बोला था कि किसी भी केस में स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव होता है तो उस केस में जो है संरचना, पूरे सॉइल की संरचना, सॉइल का जो प्रॉपर्टी है वो ही चेंज हो जाएगी। तो इसमें टेम्परेचर जो है अगर आपका 110 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो ही इसको रिमूव किया जा सकता है। तो टेम्परेचर मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस तभी आपका स्ट्रक्चरल वाटर को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन सी। अच्छा 110 डिग्री सेल्सियस, अच्छा मैंने सी देखा है, 106 से नहीं, 106 से 110 डिग्री सेल्सियस पर हम जो कंप्लीट पानी है उसको रिमूव कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। बट अगर 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये सारे वाटर को हमने यहां पर देखा है। तो अब हम यहां पर फील्ड कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। तो देखो, फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है फील्ड की वाटर को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना पानी वो होल्ड कर सकता है उसी को क्या बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस वाटर गेट्स ड्रेन्ड आउट ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, जब पूरा पानी ग्रेविटी के कारण ड्रेन हो जाए तो कितना पानी वहां पर रह गया है, तो कितना पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी रह गया है उसी को फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वेट ऑफ द वाटर कंटेंट इन द सॉइल टू द वेट ऑफ द ड्राई सॉइल रिटेनिंग दैट वाटर। यानी अगर हम बोले कि मान लीजिए ये सॉइल है, ये सॉइल है, और इस सॉइल में जो है, इस सॉइल का हमने, इस सॉइल में कंप्लीटली जो है वो क्या थे, कंप्लीटली पोर्स जो है इससे किससे फिल है, वाटर से, मान लीजिए पोर्स फिल है। जब वाटर से कंप्लीटली फिल है तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका टोटल वेट करेंगे भाई, इसका टोटल वेट करेंगे, और जब टोटल वेट करेंगे तो टोटल वेट जो है यहां पर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। अब हमने वाटर को रिमूव किया, जब वाटर को रिमूव किया तो इसके अंदर सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ सॉइल रह गया। तो यहां पर इसका टोटल वेट जो है किसके बराबर, ड्राई वेट के बराबर आएगा, और ड्राई वेट ही क्या होता है, सॉलिड का वेट होता है। तो अगर हम यहां से वेट ऑफ वाटर निकालें तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ वाटर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल इन दैट वॉल्यूम। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका फील्ड कैपेसिटी कहलाता है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। तो वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल। बस यही आपको ध्यान रखना है कि फील्ड कैपेसिटी को वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल इन सेम वॉल्यूम इनटू 100 करेंगे तो इसी को क्या बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। और यहीं से आपका रिलेशन निकाला जाता है किसमें, फील्ड कैसे कैपेसिटी डेप्थ ऑफ वाटर में और डेप्थ ऑफ रूट जोन में एक रिलेशन निकाला जाता है। शैलेंद्र अपने कॉन्सेप्ट बनाते रहता है भाई, बस शैलेंद्र बोलता है कि 105 से 110 डिग्री पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर हम रिमूव करेंगे। तो ये अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग होता है भाई। आप, मैंने कहा 80-90-100 डिग्री, 100 डिग्री से ऊपर, 100 डिग्री से ऊपर हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी को वाटर कंटेंट बोल सकते हैं, फील्ड कैपेसिटी अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द फील्ड उसको हम फील्ड कैपेसिटी, कितना पानी रुका है, लीटर में बोलो, वॉल्यूम में बोलो, वेट में बोलो, कितना पानी रुका है। ठीक है, वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं बोल सकते उसको भाई, वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल है यहां पर। ठीक है, हाँ, इन टर्म्स ऑफ फील्ड आप उसको वाटर कंटेंट बोल सकते हैं, बट इसको वहां पर वाटर कंटेंट फॉर्मूले के आधार पर, बिल्कुल फॉर्मूले के आधार पर तो आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला ही बन रहा है। ठीक है,
बिल्कुल वाटर कंटेंट का ही फॉर्मूला बन रहा है, बट यहां पर क्या है कि कितना पानी रिटेन किया है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 105 से 110 माना है के लिए इसलिए कहा था मैंने, माना है जहां पर माना, माने वाली बात होती है तो माना वाली बात। जब भी अगर हम बात करें तो वाटर सॉयल में से वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो 100 डिग्री से ऊपर जो है वो आपका अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चला जाता है तो जितना भी मॉइस्चर उसमें अवेलेबल होता है, ठीक है, कहां पर आपके जो है सॉइल, सॉइल पोर्स में, तो वो सॉइल पोर्स का वाटर रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर वो आपका जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमूव हो गया, तो वो 100 डिग्री से पार जो है किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, ठीक है भाई। हाँ, अगर देखा जाए तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100 यहां पर हमने बोला, ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड को ही हमने क्या बोला, ड्राई वेट बोला है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला के बेसिस पर ये वाटर कंटेंट को ही दिखा रहा है। तो वाटर कंटेंट ही है भाई कि कितना वहां पर मॉइस्चर अवेलेबल है, तो वो जो है प्रतिशत वाटर को ही बताता है कि कितना प्रतिशत वाटर का वहां पर अवेलेबल है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, बिल्कुल। चलिए अब देखें यहां पर, अगर हम ये आप देख पा रहे होंगे तो अगर हम सैचुरेशन कैपेसिटी की बात करें तो सैचुरेशन कैपेसिटी क्या बोलेंगे भाई, सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है जहां पर कंप्लीट वॉइड्स जो है, कंप्लीट वॉइड जो है वाटर में फिल्ड हो, वॉइड्स अगर कंप्लीटली वाटर में फिल्ड हो जिसकी सैचुरेशन वैल्यू 1 हो तो उसको क्या बोला जाता है, सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी का मतलब है 100% हर 100% पोर्स आर फिल्ड विद वाटर। अगर 100% पोर्स जो है वो वाटर से फिल्ड होंगे तो उसी को उसकी सैचुरेशन या सैचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी, अब जो एक्सेस वाटर यहां पर ड्रेन हो गया, देखो ये एक्सेस वाटर ड्रेन हो गया, तो एक्सेस वाटर ड्रेन होने के बाद जो पानी यहां पर रुक जाता है इसको क्या बोला जाता है, इसकी फील्ड कैपेसिटी। एक्सेस वाटर ड्रेन होने के बाद जो पानी अगेंस्ट ग्रेविटी फील्ड में रह जाता है उसको क्या बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी। और विल्टिंग पॉइंट, विल्टिंग पॉइंट अब यहां पर सॉइल मॉइस्चर में, सिर्फ यहां पर क्या है, इनके हाइग्रोस्कोपिक वाटर यहां पर अवेलेबल है और इनके पोर्स में कोई भी पानी अवेलेबल नहीं है। अगर पोर्स में नो वाटर होगा, नो वाटर इन पोर्स, पोर्स में कोई भी पानी नहीं है एक्सेप्ट हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के अलावा अगर पोर्स में कोई भी पानी नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या विल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल। 100% वॉइड्स फिल्ड विद वाटर नोन एज सैचुरेशन कैपेसिटी। ऑर्गेनिक सॉइल विद जिप्सम सॉइल पोर्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक नहीं, उसको स्ट्रक्चरल वाटर बोलते हैं, मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अब सैचुरेशन कैपेसिटी ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है भाई, इट इज द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जहां पर जो है 100% पोर जो है वो किससे फिल हो, जो है वाटर से फिल हो तो उसको क्या बोला जाएगा, सैचुरेशन कैपेसिटी। परमानेंट विल्टिंग, प्लांट इज नो लॉन्गर एबल टू एक्सट्रैक्ट वाटर, जहां पर जो है वो अपनी वृद्धि के लिए पानी को नहीं निकाल पाता उसी को क्या बोला जाता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट फिल्म ऑफ द वाटर आर हेल्ड वेरी टाइटली एंड हेंस प्लांट रूट नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट सफिशियंट वाटर, और इसमें जो है कौन सा वाटर जो है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है इसमें अवेलेबल होता है, किसमें, जब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अकर करती है, ठीक है। अवेलेबल मॉइस्चर क्या हो गया भाई, अवेलेबल मॉइस्चर अभी हमने देखा था, अवेलेबल मॉइस्चर क्या हो गया कि जो अवेलेबल मॉइस्चर है
फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को हम माइनस कर दें तो हमारे पास अवेलेबल मॉइस्चर बन जाता है। अगर हम रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर की बात करते हैं तो रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर रैम क्या होता है भाई, रैम जो है वो रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, अगर हम फील्ड कैपेसिटी में हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाता है, रैम मिल जाता है। और अगर हम एम की बात करते हैं अवेलेबल मॉइस्चर, जब हम फील्ड कैपेसिटी में से हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, अवेलेबल मॉइस्चर मिल जाता है। और फाई को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये आपका अवेलेबल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर जो है ये किसके द्वारा, जो कैपिलरी वाटर होता है, जो कैपिलरी वाटर होता है जो इजिली प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए कभी भी एक्सट्रैक्ट कर पाता है, तो कैपिलरी टोटल कैपिलरी वाटर का कितना 75% टू आपका कितना 80%, 75% टू 80% वाटर जो है वो आपका क्या कहलाता है, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर कहलाता है। इन जनरल रेम इज 75% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर, और इसकी रेंज अगर आप लिखें तो ये 75% से लेकर आपका कितना होता है 80% के आसपास होता है। तो ये जो है रेडीली अवेलेबल होता है, कभी भी प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इसको यूज कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल, अवेलेबल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और जो आपका रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर होगा वो फील्ड कैपेसिटी में से जब हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। चलिए अब यहां पर हम रिलेशन निकालते हैं किसमें, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। तो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन मान लेते हैं यहां पर ये डेप्थ ऑफ वाटर डी, हमने डी डब्ल्यू हमने यहां पर डेप्थ ऑफ वाटर माना है, और डी डब्ल्यू हमने डेप्थ ऑफ वाटर माना है, और डी को हमने यहां पर क्या माना है, डेप्थ ऑफ रूट जोन माना है, और डी डब्ल्यू यहां पर डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपको जो है इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है कि जो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन होता है वो किसके बराबर होता है, ये गामा डी इंटू आपका क्या है, यहां पर गामा डी इंटू गामा डब्ल्यू, गामा डी इंटू गामा डब्ल्यू इन गामा डी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी बोल दीजिए माइनस आप जो है यहां पर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपको अवेलेबल मॉइस्चर चाहिए तो अवेलेबल मॉइस्चर के लिए आप करोगे तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से इसको माइनस कर दोगे। अगर आपको डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन जो है निकालना है, और ये जो है आपको फॉर अवेलेबल मॉइस्चर के लिए निकालना है, तो अवेलेबल मॉइस्चर के लिए क्या हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस जब आप यहां पर क्या करोगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को माइनस कर दोगे। तो ये दो आपके फॉर्मूले बन सकते हैं, और ओनली फॉर फील्ड कैपेसिटी, अगर आपको सिर्फ फील्ड कैपेसिटी के लिए निकालना है तो डेप्थ ऑफ वाटर जो है ये गामा डी, ये ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू यहां पर डी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू फील्ड कैपेसिटी। अगर आपको फील्ड कैपेसिटी में रिलेशन दिया हो तो ये तीन फॉर्मूले आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं, और इन तीन फॉर्मूले से आपको जो है क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। हाँ, अवेलेबल मॉइस्चर कैपिलरी वाटर, बिल्कुल, यात्रा हिल कॉटेज एंड एलिवेशन कंस्ट्रक्शन, ये क्या क्वेश्चन मार्क कर रहे हो भाई, बिल्कुल सही है, सही है। कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर का, और कैपिलरी वाटर का अगर 100% कैपिलरी वाटर है उसका भी कितना 75-80% जो है वो आपका क्या होता है, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर होता है। अवेलेबल मॉइस्चर 100% ऑफ द कैपिलरी वाटर है, और रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर जो है वो 75-80% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर होता है, जिसको हम रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको जो है यहां पर ध्यान रखना है। तो ये रिलेशन अगर आपको ध्यान है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन के लिए हमको जो है वो प्रेशर की वैल्यू को जो है, अगर फील्ड कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है वो फिर जो है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जो है वो अधिक होता है। अगर हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन की बात करते हैं तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन कब होगा ज्यादा भाई, जब उसमें पानी होगा ही नहीं। सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है वो कब होता है, तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है जब आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है ये आपका
एक्सीड कर जाता है, यानी जो फील्ड कैपेसिटी है वो कहां तक पहुंच जाएगा आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो वहां पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है वो अधिक होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या राइट किया है? अरे भाई ये फील्ड कैपेसिटी माइनस जो है ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका, ये बता रहा है रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर, और ये बता रहा है आपका अवेलेबल मॉइस्चर, ये बताता आपका अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, एफसी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये आपका अवेलेबल मॉइस्चर, एफसी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर। अगर आपको अवेलेबल मॉइस्चर के फॉर्म में तो ये लिखना है, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर के फॉर्म में ये लिखना है, और फील्ड कैपेसिटी के फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको लिखना है। स्ट्रॉ से जूस या फ्रूट से पानी समझाने वाला एग्जाम्पल बेस्ट था सर। चलिए भाई अभी वो समझाने का समय नहीं है क्योंकि उसमें समय चला जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको फ्रूटी वाला एग्जाम्पल आपको बताया था। ठीक है जी, चलिए अगला जाए, नेक्स्ट हम इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट में सबसे पहला होता है कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज क्या होता है भाई, कंजम्पटिव उपभोग या उपयोग की बात करते हैं। तो कंजम्पटिव यूज क्या होता है, तो कंजम्पटिव यूज कि कितना पानी जो है टोटल वो किसी प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, जो कि वो ट्रांसपिरेशन के लिए प्लस आपका इवेपोरेशन। तो कितना टोटल पानी जो है वो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए फॉर द ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, तो उसी को उस क्रॉप का क्या बोला जाता है, कंजम्पटिव यूज बोला जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, कंजम्पटिव यूज, ट्रांसपिरेशन प्लस इवेपोरेशन फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, इसी को क्या बोला जाता है, प्लांट का कंजम्पटिव यूज बोला जाता है। तो ये देख लेना भाई, फील्ड कैपेसिटी के लिए ये आपका जो है कितना 7 फॉर फील्ड कैपेसिटी, ये आपका जो है अप्रोक्सीमेटली 7 एटीएम होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। और अगर हम देखें तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए ये आपका जो है अप टू कितना 32 एटीएम तक पहुंच जाता है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू मुझे अभी याद नहीं है, पर मैं आप लोगों को इसमें नोट में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है हिमांशु, तो अभी ये समझ लीजिए, अब जो ये वैल्यूज हैं इसकी मॉइस्चर सॉइल मॉइस्चर टेंशन की, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा कितना फील्ड कैपेसिटी के लिए होता है और कितना परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, अब कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंजम्पटिव यूज या इवेपो ट्रांसपिरेशन भी, इसको इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन को क्या बोला जाता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन, उसी को क्या बोला जाता है, कंजम्पटिव यूज बोला जाता है। ठीक है, और कंजम्पटिव यूज फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय द प्लांट्स इन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, इसी को क्या बोला जाता है, उसी को कंजम्पटिव यूज बोला जाता है। ठीक है, अब कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गई भाई, कि अगर मान लीजिए जो है वो कंजम्पटिव वाटर रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने इरिगेशन से दी और वही कुछ इफेक्टिव रेनफॉल वहां पर हुई, तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हुई, जो हमने किससे फुलफिल करी है, इरिगेशन से फुलफिल करी है, तो आप क्या बोल सकते हैं, कंजम्पटिव वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। यानी अगर हम बात करें तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा, अगर हम कंजम्पटिव यूज हमारे पास है और इफेक्टिव रेनफॉल आर इफेक्टिव हमारे पास है, तो अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इतना पानी हमको किसे खेत से देना पड़ेगा, किसकी पूर्ति के लिए, प्लांट की पूर्ति के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोला जाता है। इसके बाद क्या आता है भाई, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर हम एक सीजन की बात करें तो वहां पर अलग पानी और पानी भी यूज होता है, जैसे कि लॉसेज में या लीचिंग में पानी यूज होता है। तो यानी अगर हम नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालते हैं तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में अगर हम क्या कौन सा पानी जोड़ दें, हम जो है लीचिंग रिक्वायरमेंट या लॉसेस को जोड़ दें, लॉसेस को जोड़ दें, तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकल कर आता है।
अगर ये हमको इतना पानी चाहिए कहां पर, सीड के ऊपर इतना पानी हमको, सॉरी जो है हमको प्लांट रूट के, प्लांट रूट में हमको इतना पानी चाहिए, तो फील्ड में कितना पानी चाहिए होगा भाई? तो फील्ड में हमको पानी ज्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। और फील्ड में कितना पानी कि फील्ड, और अगर हम बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन एफिशिएंसी से हम इसको डिनोट करते हैं। और आपको पता है एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है कि वाटर गिवन टू दी वाटर, वाटर गिवन टू दी स्टोर्ड इन रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाई वाटर गिवन इन टू दी फील्ड। तो वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन क्या हो गया आपका नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट, वाटर गिवन टू दी फील्ड क्या हो गया आपका फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट। तभी आपका यहां पर फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या आता है, नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई एप्लीकेशन एफिशियंसी। नेक्स्ट आपका ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट, इतना तो हमको फील्ड में देना पड़ेगा, तो बताओ जो है फील्ड में चैनल में कितना देना पड़ेगा। तो चैनल और चैनल, चैनल एंड फील्ड के बीच कौन सी जो है एफिशिएंसी होती है, उसको हम कन्वीनियंस एफिशिएंसी बोलते हैं। और कन्वीनियंस एफिशिएंसी क्या होता है भाई, कन्वीनियंस एफिशिएंसी वाटर, वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड डिवाइड बाय वाटर गिवन टू द चैनल। तो वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड क्या हो गया, फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट हो गया। और वाटर गिवन इन टू द चैनल क्या हो गया, ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट। तो यहां से हम ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। और ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा भाई, यहां पर फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय आपका कौन सा, कन्वीनियंस एफिशिएंसी। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इरीगेशन रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई, इस तरीके से अलग अलग इरीगेशन रिक्वायरमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ओबीसी बात है भाई, आप देखो फिर जो है देखो चैनल में हमको सबसे ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा होगा। फिर जो है आपको किसमें, फील्ड में ज्यादा पानी देना, इसके बाद फील्ड में पानी आपका जाएगा, इन दोनों के बीच लॉसेस कन्वीनियंस लॉसेस होंगे। और यहां पर फिर आपका जो है ये आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और फिर आपका कौन सा कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये इनके बीच जो है ये कौन सी एफिशिएंसी, ये आपके जो है कन्वीनियंस एफिशिएंसी को बताता है। इसके बीच जो है ये कौन सी एफिशिएंसी को बताता है, ये एप्लीकेशन एफिशिएंसी को बताता है। इनके बीच जो है ये क्या बताता है, ये लीचिंग रिक्वायरमेंट को बताता है या लॉसेस को बताता है, मेनली यहां पर लीचिंग रिक्वायरमेंट को बताता है। तो अब आप जो है, और फिर जो है सबसे लीस्ट आपका क्या होता है, कंजम्पटिव यूज होता है। तो कंजम्पटिव यूज, कंजम्पटिव इरीगेशन, फिर आपका नेट इरीगेशन, फिर आपका फील्ड, फील्ड फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट, फिर आपका ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट। हाँ, फील्ड कैपेसिटी 110 टू 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेयर एसएमटी फॉर द पीडब्ल्यू, हाँ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में 7 से 32 के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, हाँ 110 टू 1/3 जो है एटीएम होता है। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, बिल्कुल बिल्कुल ये लिख लीजिए भाई, फील्ड कैपेसिटी के लिए 110 टू 1/3 जो है एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और अगर हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका 7 से कितना होता है, 7 से 32 एटीएम के आसपास होता है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जो है सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो ये ध्यान रखना कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में सॉइल मॉइस्चर टेंशन सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, अब क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, द ड्यूटी ऑफ द इरिगेशन वाटर फॉर गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम, किसके लिए मैक्सिमम होगी, किसके लिए मैक्सिमम होगी, एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल, एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। हाँ जी, एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, इसके हिसाब से एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है आपका एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। वैसे आपसे अगर पूछा जाए तो इसका नन ऑफ दिस भी हो सकता है। कैसे नन ऑफ दिस, क्योंकि आपसे बोला कि मैक्सिमम कहां पर होती है, और मैक्सिमम जो है एट द हेड ऑफ क्या होती है, एट द हेड ऑफ फील्ड होता है। तो फील्ड के हेड पर होता है, तो फील्ड का हेड तो यहां पर दिया नहीं, तो उसके हिसाब से नन ऑफ देम भी हो सकता है। बट इनके हिसाब से जो है आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी जो है आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। द एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन किस पर निर्भर नहीं करती है, तो जल्दी से बताएं भाई। द एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, जल्दी से बताएं भाई। जल्दी से बताएं। अच्छा यहां पर आंसर तो आ रहे हैं इनके, डी 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 डी। देखो वाटर एप्लीकेशन की बात करते हैं, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है, ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर गिवन इनटू द फील्ड। अब ये फील्ड से ही मतलब है और इसीलिए इसको फार्म एफिशिएंसी भी बोलते हैं। फार्म एफिशिएंसी यानी फार्म लॉसेस, ये क्या है यहां पर जितने भी फार्म लॉसेस हैं वो यहां पर हम कंसीडर करेंगे। तो फार्म लॉसेस किस पर डिपेंड नहीं कर रहा भाई, क्या ये चैनल पर डिपेंड कर रहा है, चैनल पर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल। क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करेगा, मेथड ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा, बट क्योंकि ये चैनल पर डिपेंड नहीं करेगा तो ज्योमेट्री ऑफ कन्वेयंस सिस्टम जो है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अरे मेथड ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा भाई, फील्ड में आप पानी कैसे दे रहे हैं, आप फ्री फ्लडिंग से दे रहे हैं, चेक फ्लडिंग से दे रहे हैं, या आप जो ड्रिप इरिगेशन से दे रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से दे रहे हैं। तो वो अगर ड्रिप इरिगेशन से दे रहे हैं तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी ज्यादा होगी, अगर आप फ्री फ्लडिंग कर रहे हैं तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। तो बिल्कुल मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो है आपका इरिगेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन जो है उस पर डिपेंड जरूर करेगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इज 8 सेंटीमीटर एंड एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर स्टोर्ड इज 24 सेंटीमीटर, देन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आपको निकालना है, तो जल्दी से निकालें भाई। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितना होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितना होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑप्शन सी। देखो तो आपको यहां पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालनी है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होती है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, 1 माइनस एवरेज डेविएशन इन डेप्थ डिवाइड बाय एवरेज डेप्थ इनटू, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 माइनस डी। इसने क्या बोला, यहां पर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और इसने कितना बोला, ये 24 सेंटीमीटर है, तो 8 × 3 = 24, तो ये कितना हो गया 3, 2/3, और 2/3 को हम क्या बोलते हैं, 3 × 6 = 18, 0.67, यानी ये कितना परसेंट हो जाएगा, 67% हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना 67%, यानी 66.67%, ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है आपका, यानी फील्ड में कितना यूनिफॉर्मली डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेट किया है, 67% जो है वो डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेट किया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भी इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वाटर विच फ्लोस अंडर ग्रेविटी, तो जो ग्रेविटी के अंडर फ्लो करता है उस पानी को क्या बोला जाता है, उस सॉइल मॉइस्चर को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताएं, बताएं भाई बिल्कुल। तो ग्रेविटी के अंदर फ्लो करता है और वो किसका पार्ट बनता है, फ्लोज अंडर ग्रेविटी, तो किसका पार्ट बनता है, वो किसका पार्ट बनता है, वो पार्ट बनता है आपका किसका, ग्राउंड वाटर का पार्ट। तो ग्रेविटी वाटर हमेशा ग्राउंड वाटर का पार्ट बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वाटर बोलते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन बी, हाँ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे पानी हो उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। By what type of the forces the soil grains retain water on their surfaces? हाँ जी, तो कौन सा, देखो यहां पर क्वेश्चन जरूर पढ़ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। What type of forces the soil grains retained water on their surface? तो surface पर जो water retain होता है तो कौन से फोर्स के कारण होता है, हाँ जी सर्फेस पर जो वाटर रिटेन होता है वो कौन से फोर्स के कारण होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर ये सॉइल है और इसके सरफेस पर जो ये वाटर रिटेन होता है, तो ये जो वाटर रिटेन होता है
ये किसके कारण, इसी वाटर को हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसके कारण जो है ये वीक अधेसिव फोर्स के कारण होता है, या आप बोल सकते हैं लूज केमिकल बोर्ड के कारण होता है। और अधेसिव फोर्स का मतलब होता है कि दो अलग अलग डिसिमिलर पार्टिकल का अट्रैक्शन, उसी को क्या बोला जाता है मॉलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन दी द मॉलिकुलर अट्रैक्शन एंड लूज केमिकल बोर्ड। और ये मॉलिकुलर अट्रैक्शन किसकी किस किस के बीच है, ये मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो है सॉइल सरफेस एंड किसके बीच है, एंड वाटर के बीच है। तो जब भी दो डिसिमिलर पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है अधेशन। इसी को क्या बोला जाता है भाई, इसी को बोला जाता है अधेशन। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, अधेशन कहलाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द सर्फेस टेंशन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड कैपेसिटी। तो सर्फेस टेंशन की वजह से फील्ड कैपेसिटी को हम किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे। तो सरफेस टेंशन की वजह से सॉइल में वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट रह जाता है, और उसी वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, इसी वाटर को क्या बोला जाता है, बिल्कुल इसी वाटर को क्या बोला जाता है, कैपिलरी वाटर बोला जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी, सॉइल किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, बिल्कुल ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन लूज केमिकल बॉन्ड्स व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड कैपेसिटी। लूज केमिकल बॉन्ड्स, तो लूज केमिकल बॉन्ड्स अभी अभी हमने पढ़ा है भाई, लूज केमिकल बॉन्ड्स की वजह से जो सॉइल के ऊपर, सॉइल सरफेस के ऊपर पानी रह जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसको क्या बोला जाता है, हाँ जी बताए, उसको क्या बोला जाता है, लूज केमिकल बॉन्ड की वजह से। तो बिल्कुल उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द फील्ड कैपेसिटी व्हेन द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल इज 28 मीटर क्यूब, द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ द प्लांट इज 7 मीटर। तो बताएं भाई, यहां पर फील्ड कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, तो फील्ड कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, तो जल्दी से बताएं। और फील्ड कैपेसिटी आपसे किस में पूछ रहा है, एरिया में पूछ रहा है आपको, तो जल्दी से बताएं भाई फील्ड कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। यहां पर आपको पता है कि जो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन इज इक्वल टू क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ द वाटर इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू, यहां पर हम क्या करते हैं, फील्ड कैपेसिटी करते हैं। अब यहां पर डेप्थ ऑफ द वाटर जो है, अगर हम डेप्थ ऑफ द वाटर की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल इज 28 मीटर क्यूब एंड द ड्राई यूनिट वेट, और यहां पर डेप्थ ऑफ द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज, तो यहां पर डेप्थ ऑफ द रूट जोन आपको कितना दिया गया, 7 मीटर दिया गया। यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड कितना दिया गया, 28 मीटर क्यूब दिया गया है, और उसका एरिया भी आपके पास दिया गया कितना, 1 मीटर स्क्वायर। तो बताओ डेप्थ ऑफ द वाटर यहां से निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 28 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर यहां से आ जाएगा। अब फील्ड कैपेसिटी आप रेशियो के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं, तो रेशियो को फॉर्म में अगर आप 1 मीटर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल आप फील्ड कैपेसिटी जो है उस पूरे 1 मीटर स्क्वायर के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, फील्ड कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो बताओ भाई, तो यहां पर डेप्थ ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये गामा डी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो गामा डी की यूनिट ड्राई यूनिट वेट 18 बटे आपका क्या है, यहां पर ये 9.8 इंटू 7 इंटू आपका फील्ड कैपेसिटी। तो बताओ यहां से फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये 2.177 आ जाएगा, और अगर उसको 1 मीटर स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2.178 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन यूनिट एरिया इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, फील्ड कैपेसिटी इज
20.35% एंड द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ द प्लांट इज 9 meter. आपको क्या बोला, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड बताना है, यानी डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड का मतलब है कि आपको DW की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है. आपको DW की वैल्यू आपसे, आपको यहां पर क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो DW की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं भाई, तो DW की वैल्यू को आपको फाइंड करना है. तो कैसे निकालोगे भाई DW की वैल्यू, आपको पता है DW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल टू यूनिट ड्राई यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इनटू आपका यहां पर क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी. इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आपका निकल जाएगा. तो DW की वैल्यू आपसे पूछी गई है और आपका ड्राई यूनिट वेट आपको कितना 17 दिया गया है और 9.8 आपके पास दिया गया है इनटू आपका जो है ये कितना है इनटू डी कितना दिया गया है यहां पर बताओ कहां गया है डेप्थ ऑफ 9 meter इनटू फील्ड कैपेसिटी आपके पास कितना दिया गया 0.2035. 20.35 को क्या लिख सकते हैं 0.2035 लिख सकते हैं. देखो इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करो, क्योंकि आपके यहां पर देखो बहुत दूर दूर आपके जो है यहां पर ऑप्शंस हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, तो इसको हम 10 बोल सकते हैं भाई, तो 10 में से ये गया तो 1.7 रहा, इनटू 9 से इसको मल्टीप्लाई करो और यहां पर 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका जो है ये कितना हो जाएगा 7.63 9 × 9 = 15. तो ये 15 दशमलव और इसको 0.2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 15 × 2 = 30 बन रहा है, तो 15 × 2 = 30 का मतलब है 3 दशमलव समथिंग आ रहा है, 3 दशमलव समथिंग आ रहा है. तो देखो ऐसे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी किया जा सकता है. तो 15 × 2 = 30, तो यानी इसका मतलब है कि ये आपका कितना आ रहा है 3 के आसपास आ रहा है, तो यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 3.669 meter हो जाएगा. तो आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है, कोई भी अपने घर में कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जरूरी है. और यही आपको इस रिविजन क्लास में आपको सीखना है कि कैसे जो है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया जा सकता है, ताकि आपका अप्रोच जो है वो बन सके. ठीक है भाई, तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इजिली एक्सेप्टेड बाय द प्लांट. तो इजिली की बात कर रहा है, इजिली एक्सेप्टेड बाय द प्लांट, यानी जो है वो अवेलेबल मॉइस्चर का कितना पार्ट. तो आपसे क्या पूछ रहा है, इजिली एक्सेप्टेड बाय द प्लांट का मतलब है रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर आपसे पूछ रहा है. तो रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर जो है वो कितना परसेंट होता है, कैपिलरी अवेलेबल मॉइस्चर का कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है 75-80% होता है. तो बिल्कुल ऑप्शन बी 75-80% होता है, रैम आपसे पूछ रहा है. हाँ, कोई तो यहां पर सी भी दे रहे भाई. चलिए, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप. तो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप के बीच जो टाइम होगा उसको क्या बोला जाएगा, यानी बुआई और कटाई के बीच, बुआई और कटाई के बीच. तो यहां पर हम क्रॉप की बात कर रहे हैं, क्रॉप है ये, क्रॉप की बुआई और कटाई. तो क्रॉप की बुआई और कटाई को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं या फसल अवधि बोलते हैं. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसको क्या बोलेंगे, फसल अवधि. और ये किसके बीच का होता है भाई, ये फर्स्ट वाटरिंग एंड किसके बीच, लास्ट वाटरिंग. फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग के बीच जो है टाइम पीरियड होता है आपका. कोर पीरियड आपको क्या है कि जो आपका सोइंग के बाद जब फ्यू सेंटीमीटर ग्रो करती है तो फर्स्ट वाटर आप जो लगाते हैं सोइंग आफ्टर सोइंग, फर्स्ट वाटर आफ्टर सोइंग. तो सोइंग के बाद जो बुआई के बाद जो पहला पानी आप लगाते हैं उसको कोर वाटरिंग बोलते हैं. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका अगला. द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप इज, तो बुआई से पहले पहला पानी जो लगाया गया हो, तो फसल की बुआई से पहले पहले पहली सिंचाई को क्या बोला जाता है. तो पहली सिंचाई जो किसके लिए, नमी के लिए हम यूज करते हैं, नमी बरकरार बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है आपका, उसको क्या बोला जाता है, बिल्कुल पेलियो इरिगेशन बोला जाता है. तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज कॉल्ड द परसेंटेज ऑफ CCA इरिगेटेड एट द टाइम इन वन क्रॉप सीजन. एक क्रॉप सीजन में CCA का पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, CCA के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो जल्दी से बताइए भाई, CCA के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे भाई, CCA के पार्ट को हम क्या बोलते हैं. तो CCA के पार्ट को यानी कितने परसेंट खेत पर एक्चुअली जो है खेती हुई है उसी को क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन दैट पर्टिकुलर सीजन. तो इसी को क्या बोला जाता है,
इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वाटरिंग कॉल्ड। तो दो कंसेक्यूटिव वाटरिंग के बीच जो है समय अवधि को क्या बोला जाता है। तो दो कंसेक्यूटिव वाटरिंग के बीच के समय अवधि को, दो लगातार वाटरिंग के बीच के समय अवधि को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं इसको। इसी को या तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बोलेंगे, या तो इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बोलेंगे, या इसी को क्या बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है, रोटेशन पीरियड बोला जाता है। तो या तो इसको क्या बोला जाता है, रोटेशन पीरियड बोला जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर फॉर कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रॉप कॉल्ड। तो कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए टोटल डेप्थ ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर फॉर कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रॉप कॉल्ड। तो यानी जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कहां से फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर आप अप्लाई करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, उसको डेल्टा, डेल्टा ऑफ क्रॉप बोला जाएगा। और इसको आप किसमें, सेंटीमीटर, या आप जो है किसमें लेते हैं, मीटर में लेते हैं। और रिलेशन क्या होता है, ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। तो डेल्टा अगर आप सेंटीमीटर में लिखते हो तो कितना होगा, 864 बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर डेल्टा को आप किसमें, मीटर में लिखते हो तो कितना, 8.64 बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये आपको, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्यूटी कॉल्ड एज इन डायरेक्ट इरिगेशन। तो डायरेक्ट इरिगेशन में ड्यूटी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट इरिगेशन में ड्यूटी को क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे। डायरेक्ट इरिगेशन, तो डायरेक्ट इरिगेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट इरिगेशन आपका कैसा होता है, ये आपका फ्लो इरिगेशन होता है, फ्लो पेरिनियल इरिगेशन होता है, पेरिनियल इरिगेशन होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इरिगेशन। और इसमें हम क्या कर बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, फ्लोइंग चैनल बनाते हैं। तो फ्लोइंग चैनल के हेड पे हम उसको ड्यूटी को क्या बोला जाता है, तो फ्लोइंग चैनल के हेड पर ड्यूटी को क्या बोला जाता है, फ्लो ड्यूटी बोला जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्लो ड्यूटी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पीरियड इज स्लाइटली मोर देन इट्स काउंटर पार्ट पीरियड। तो कौन सा जो है सबसे ज्यादा अवधि होती है, किस प्रकार की अवधि अपने समकक्ष काल से थोड़ी अधिक होती है, यानी आपसे पूछ रहा है क्रॉप पीरियड में एंड बेस पीरियड में। तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में कौन सी सबसे अधिक होती है, तो आंसर आपको बताना है। बट हम क्या करते हैं, जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको दोनों को समान रखते हैं। तो क्रॉप पीरियड, मैंने आपको बोला क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ यूनिट इज यूज टू डिफाइन हाई एंड लो ड्यूटी। हाई एंड लो ड्यूटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई, हाई एंड लो ड्यूटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जल्दी से बताएं। अब देखो यहां पर हाई एंड लो ड्यूटी को आपको बोल दिया गया है, बट आपसे यहां पर पूछा गया है, यानी इनडायरेक्टली आपसे जो है वो ड्यूटी की आपको यूनिट पूछी गई है। तो ड्यूटी की यूनिट क्या होती है, हाँ जी, ड्यूटी की यूनिट क्या होती है, हेक्टेयर पर क्यूमिक होती है, बिल्कुल हेक्टेयर पर क्यूमिक होती है। ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, गिवन दैट अ पर्टिकुलर इरिगेशन फील्ड हैज सीसीए एज 200 हेक्टेयर्स आउट ऑफ व्हिच 150 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज कल्टीवेटेड फॉर द रबी सीजन एंड 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज कल्टीवेटेड फॉर द खरीफ सीजन। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर सीजन। तो आपको पूरे जो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर द सीजन, सीजन का मतलब है कि आपको दोनों सीजन के लिए आपको जो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे भाई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, हाँ जी, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मैंने आपको एक फॉर्मूला यहां पर बताया था। मैंने आपको क्या बोला था कि एरिया अंडर क्रॉप क्या होता है, एरिया अंडर क्रॉप जो है वो क्या होता है, सीसीए इनटू क्या बोला, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का परसेंटेज, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का परसेंटेज। तो आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन चाहिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है वो परसेंटेज में कैसे आएगी, तो यहां पर आपका एरिया अंडर क्रॉप डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, सीसीए, एरिया अंडर क्रॉप डिवाइड बाय सीसीए। अब आप जो है यहां पर देखिए कि ये बोल रहा है
कि ये 150 हेक्टेयर्स लैंड इज कल्टीवेटेड फॉर द रबी सीजन। तो यानी एरिया अंडर क्रॉप फॉर रबी सीजन कितना होता है, कितना है यहाँ पर 150 हेक्टेयर आपके पास दिया है, और एरिया अंडर क्रॉप इन खरीफ सीजन आपको कितना दिया गया है, खरीफ सीजन के लिए 100 हेक्टेयर आपको दिया गया है, और आपको सीसीए की वैल्यू कितनी दी गई है, सीसीए की वैल्यू जो है आपको कितनी दी गई है, 200 हेक्टेयर दी गई है। तो आप दोनों सीजन में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन रावी सीजन, तो 150 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई 200 इंटू यहां पर 100 कर देंगे, तो ये आपका 100 दुना क्या हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 75, तो 75% क्या आ जाएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ रबी सीजन। इसी तरीके से आप इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ खरीफ सीजन क्या हो जाएगा, 100/200 गुणा यहां पर 100 करेंगे, तो ये आपका जो है ये 100 दुना 200 तो कितना हो जाएगा 50%। तो यानी रबी सीजन की जो है वो रबी सीजन की जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है, आईओआई कितना है, 75%। और अगर हम खरीफ सीजन की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन देख रहे हैं, खरीफ सीजन की, वो कितनी है, 50%, तो 75 और 50 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आपके पास एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन देता तो आंसर आपका दोनों को जोड़ देते तो कितना हो जाता, 7×5=12, 125% हो जाता, ठीक है, 125% जो है आपका टोटल एनुअल जो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आ जाती, बिल्कुल ऑप्शन सी। चलिए अगला है, विच वन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग क्रॉप, और ओवरलैपिंग क्रॉप को मैंने क्या बोला आपसे, ओवरलैपिंग क्रॉप को ही क्या बोला जाता है, पेरिनियल क्रॉप बोला जाता है। क्या होती है, जिसका जो क्रॉप सीजन है वो क्रॉप सीजन एक सीजन से अधिक होता है, या जिसका बेस पीरियड एक सीजन से अधिक होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉप बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पेरिनियल क्रॉप, बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है, सुगर केन क्रॉप जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द क्रॉप रेशियो ऑफ खरीफ टू रबी क्रॉप। तो खरीफ टू रबी क्रॉप का मतलब है एरिया इरिगेटेड इन खरीफ क्रॉप डिवाइड बाय एरिया इरिगेटेड इन रबी क्रॉप। तो एरिया इरिगेटेड इन खरीफ क्रॉप, क्योंकि खरीफ में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए यहां पर कम एरिया जो है इरिगेट हो पाएगा, बट रबी के सीजन में एरिया जो है ज्यादा इरिगेट हो पाएगा, तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, 1:2 के, या तो आपका रबी टू खरीफ करो तो 2:1, और खरीफ टू रबी करो तो कितना होगा, 1:2 जो है ये रेशियो होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। यहां पर आपको जो है जो बेमेल जो है ऑप्शन को आपको चुनना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है भाई, जल्दी से बताएं भाई, बिल्कुल ये भी सही है। जायद क्रॉप्स में सीजनेबल वेजिटेबल एंड जो है सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं, तो ये नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन सी आपका। कैश क्रॉप्स में जूट टोबेको, जिनसे आप जो है जिसको इनकैश करके मार्केट में कैश कमाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कैश क्रॉप बोला जाता है, बिल्कुल। अरे ऑप्शन डी कैसे इनकरेक्ट होगा भाई, ऑप्शन सी होगा। जायद क्रॉप्स कौन सी होगी, जो सीजनेबल जो है आपके फ्रूट्स, और सीजनेबल क्या होते हैं आपके, सीजनेबल वेजिटेबल्स होते हैं, वो आपके किसमें, जायद क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। तो यानी इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो जल्दी से बताएं भाई, भारतीय हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है भाई, जल्दी से बताएं, बिल्कुल एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए, इन्होंने टर्म दिया है ग्रीन रिवोल्यूशन, ये विलियम जो गॉड है, इन्होंने टर्म दिया है, टर्म कौन सा, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहले जो है वो टर्म किसने क्वाइन किया है, विलियम गॉड ने क्वाइन किया है। अगर जो नॉर्मन बॉर्न लोग है, इनको वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक कहा जाता है,
वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन का कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इन्हीं को इसी चीज के लिए 1970 में क्या बोला मिला, नोबेल प्राइज मिलता है इनको। यहां पर 1970 में नोबेल प्राइज मिलता है किसके लिए, इसी इन्हीं को क्या बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक को कहा जाता है। और वर्गीस कुरियन कौन से है भाई, बताएं भाई वर्गीस कुरियन कौन से हैं, इनको यहां पर व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक कहा जाता है, इंडियन व्हाइट रिवोल्यूशन का इनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर से आप लोगों को सुबह 8 बजे मुलाकात होगी, तो सुबह 8 बजे जुड़ेंगे भाई। ठीक है, अब ऐसे ही डेली अच्छा सेशन रहेगा, थोड़ा सा टाइम को हम इंक्रीज करते जाएंगे, एकदम से ऐसा नहीं कि हम जो है 2 घंटा जो है जाएंगे, अभी हम लगभग लगभग हमने जो है 1:20, 1:25, 1:20 के आसपास जो है समय हमने लगाया है। ठीक है, इसी तरीके से समय को बढ़ाते जाएंगे और जब तक आपका नोटिफिकेशन आता तब तक शायद हम आधे चैप्टर आधे सब्जेक्ट जो है वो निपटा चुके होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में। चलिए तो मिलते हैं आप कल, आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।